नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में। दोस्तों, ये हमारी उस वीडियो का पार्ट 6 है। अगर आपने इस वीडियो के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोज को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा 2। आज हमने तीनों प्रतिज्ञा करी, चाहे धरती फटे चाहे आसमान, अब तू ना बचे मलखा। प्रतिज्ञा 2 ये फिल्म रिलीज हुई थी 7 फरवरी 2014 को। फिल्म के स्टार कास्ट में पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, अनिल सम्राट, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, स्मृति सिन्हा नजर आई थी। इस फिल्म को सुशील कुमार उपाध्याय ने डायरेक्ट किया था। ये उस समय की काफी बड़ी एक्शन फिल्म थी और उस समय की काफी बड़ी बजट वाली फिल्म थी। ये भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने एक साथ काम किया था। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 9 लाख था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 23 लाख की कमाई किया था। और प्रतिज्ञा 2 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है काशी अमरनाथ। बहन के जिद और भाई के ताकत अब इतिहास बताई काशी के शहादत। अब हॉस्पिटल जमीन पे ना, तुहरा छाती पे बनाई, और उद्घाटन के फीता अगर तुहरा बहन से ना कटवाई तो हम हूँ अपने बाप के बेटा ना। काशी अमरनाथ ये फिल्म रिलीज हुई थी 18 अक्टूबर 2017 को। फिल्म के स्टार कास्ट में भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन, साथ ही साथ आम्रपाली दुबे और सपना गिल नजर आई थी। इस फिल्म को प्रियंका चोपड़ा और मधु चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था और संतोष मिश्रा ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म काफी शानदार थी और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की कोशिश की गई थी। ये फिल्म स्वच्छ भारत मिशन अभियान पर आधारित थी। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 82 लाख था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 26 लाख की कमाई किया था। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है आतंकवादी। जन्नत की झूठी दिलासा देकर इन्हें मुर्दा बनाओगे, हिंदुस्तान का एक बाल तो उखाड़ नहीं सकते, तो कश्मीर कैसे पाओगे। आतंकवादी ये फिल्म रिलीज हुई थी 17 मार्च 2017 को। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और सुबीर शर्मा। इस फिल्म को MI राज ने डायरेक्ट किया था और प्रेम राय ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 2017 में मेहदी ला के रखना के बाद रिलीज होने वाली खेसारी लाल यादव की दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 30 लाख के आसपास रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 29 लाख की कमाई किया था। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस लिस्ट में नंबर 2 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है औलाद। हमारे प्यार कोनो जंगल के सूखल लकड़ी ना, जोना के जरा के केहू अपन हाथ से ले। आरती खातिर लाश कितना ढेर बिछा दे कि देख के तुहार और तोहरे भगवती बाबू के यहाँ खान हो जाए। औलाद ये फिल्म रिलीज हुई थी 8 जुलाई 2011 को। फिल्म के स्टार कास्ट में जुबली स्टार निरहुआ, उनके भाई परवेश लाल यादव, पाकी हेंगरे और सुवी शर्मा नजर आई थी। इस फिल्म को असलम शेख ने डायरेक्ट किया था। फिल्म निरहुआ इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी थी। फिल्म की कहानी काफी शानदार थी और ये फिल्म दर्शकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 78 लाख रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 18 लाख की कमाई किया था। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, साथ ही साथ 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है जिगर वाला। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती सर। हाथ जोड़ के माफी मांगला से हैदराबाद में माफी मिलत हुई, यहाँ भोजपुरी में ना। यहाँ कैसे मिलता सर, यहाँ गले लग के माफी मांगे के पड़े। जिगर वाला ये फिल्म रिलीज हुई थी 17 जुलाई 2015 को, यानी ईद के खास मौके पर। फिल्म के स्टार कास्ट में जुबली स्टार निरहुआ, आम्रपाली दुबे और प्रियंका पंडित नजर आई थी। इस फिल्म को सुपा राव गोसंगी ने डायरेक्ट किया था। ये एक तमिल फिल्म की रीमेक थी जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 39 लाख था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 29 लाख
की कमाई किया था और जिगर वाला ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट। वैसे आपको इन 5 फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।